अगर आप लोग पोकेमोन को स्टार्ट करना चाहते हैं खेलना, तो स्टार्टिंग में आपको एक सवाल पूछा जाता है, आपको एक टीम मेंबर को सेलेक्ट करना पड़ता है आप किस टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं। यहाँ पर तीन तरह की टीम अवेलेबल है, एक टीम वैलोर रहता है, एक टीम इंस्टिंक्ट रहता है, एक टीम मिस्टिक रहता है। वैलोर मतलब जो रेड टीम रहता है, फिर इंस्टिंक्ट का मतलब जो येलो टीम है, और मिस्टिक मतलब जो ब्लू टीम है। तो तीन कलर के टीम्स होते हैं, आप जिस भी टीम में चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक टिप बताऊंगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा टीम सिलेक्शन में, क्योंकि कौन सा टीम को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, कौन सा टीम आपको आगे लेवल में आगे बढ़ा सकता है, आखिर ये कौन सा टीम है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। क्योंकि कुछ टीम ऐसे है जिन जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है इस गेम में। जैसे कुछ टीम मान लीजिए, अगर आप रेड रेड कर रहे हैं, अगर आपके टीम मेंबर्स आपके कलर की टीम अगर आपके साथ रेड बैटल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसका आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, उतने ज़्यादा आपको पोके बॉल्स भी मिलेंगे, प्रीमियम बॉल्स मिलेंगे, उतने ज़्यादा आपको चांसेस मिलेंगे पोकेमोन कैच करने के। उससे आपके टीम कलर के मेंबर्स एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो कौन सा टीम इसमें काफ़ी ज़्यादा है पोकेमोन को में एक्टिव रहते हैं, कौन से कलर के टीम मेंबर्स इस गेम को ज़्यादा खेलते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो उसके बारे में जानने के लिए वीडियो पूरी तरह से लास्ट से देखिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं किस टीम में हूं। तो मैं टीम इंस्टिंक्ट में हूं, मतलब मैं टीम येलो कलर वाला टीम में हूं। आप लोगों को मैं प्रूफ के लिए मैं दिखाता हूं, मैं अपने टीम मेंबर के लीडर को दिखाता हूं। तो ये रहा, इसका नाम स्पार्क है, तो ये मेरा टीम लीडर है, तो मैं इसके टीम में ज्वाइन हूँ। तो आप इसे देख सकते हैं मैं टीम येलो में हूँ, लेकिन इसमें येलो टीम में प्रॉब्लम ये है कि इसके मेंबर्स काफ़ी कम ही ज़्यादा मैंने एक्टिव देखे, बहुत ही कम ही एक्टिव देखे। अगर आप किसी भी रैंडम लोकेशन में भी अगर फेक जीपीएस की मदद से चले जाएँ, वहाँ भी आपको येलो कलर के जिम्स बहुत ही कम दिखेंगे। जैसे मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं येलो जिम्स एकदम ना के बराबर है, यहाँ मुश्किल से एक या फिर दो आपको जिम्स दिख जाएंगे। फिर उसके बाद आता है टीम रेड, जो कि थोड़ा सा येलो से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, उनके जिम्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं आपको। किसी भी जगह में जाइए, रेड कलर का जिम आपको ज़्यादा दिख ही जाएगा, लेकिन येलो कलर की टीम आपको बहुत ही रेयरली दिखता है। अगर आप रेड बैटल भी पार्टिसिपेट करें, उसमें भी येलो टीम काफ़ी ज़्यादा कम ही मिलते हैं, बहुत ही लकी चांस रहने से आपके येलो टीम के मेंबर्स रेड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप गेम स्टार्ट करें आप येलो टीम को एकदम भी ज्वाइन मत कीजिएगा। मैं खुद आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको जिम में भी अगर आप अपने पोकेमोन को डालना चाहते हैं, तो येलो कलर का जिम भी आपको मिलना बहुत ही रेयरली ये होता है, येलो कलर का जिम आपको मिल जाता है। ज़्यादातर आपको एकदम सबसे ज़्यादा इसमें एक्टिव पोकेमोन गो में रेड, या फिर सबसे भी ज़्यादा एक्टिव आपको ब्लू टीम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं। ब्लू कलर के जिम्स जैसे मैं इस जगह में दिखा रहा हूँ, हर जगह जहाँ तक आपको नज़र जा रही है, यहाँ आपको ब्लू कलर का जिम हर जगह मिल जाएगा। जैसे ये जिम था, इस जिम को अभी तुरंत इसे ब्लू कर दिया गया, थोड़ा देर पहले इसे ये भी रेड कलर का था, इसे डिफीट करके ब्लू कर दिया गया। तो इस तरह से लोग काफ़ी जल्दी टीम को जिम सबको डिफीट कर लेते हैं, और तुरंत ब्लू कलर धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा जिम्स में कब्जा कर लेता है। तो अगर आपको गेम में आगे बढ़ना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप लोग टीम ब्लू को ही ज्वाइन कीजिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर आप रेड बैटल सब में भी पार्टिसिपेट करें, तो उसमें भी आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि उसमें ब्लू कलर की टीम काफ़ी ज़्यादा रेड में पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपी भी मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज भी मिलेगा, और प्रीमियम बॉल्स भी ढेर सारे मिलेंगे। उससे आपको फ़ायदा होगा कि ढेर सारे आप लोगों को चांसेस मिलेंगे पोकेमोन पकड़ने का। तो टीम ब्लू ही सबसे ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, मेरा मतलब टीम मिस्टेक ही सबसे ज़्यादा परफेक्ट रहेगा आपके लिए ज्वाइन करने के लिए। अगर आप लोग किसी भी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपने टीम मेंबर को या टीम कलर को, अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं, तो उसका भी एक तरीका है, मैं आपको बता दूँ। आपको जाना होगा यहाँ के शॉप में जाना होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे की ओर स्लाइड करते रहना है। यहाँ पर आपको टीम मेडलियन वाला ये चीज़ मिल जाएगा, इसमें आपको 1000 पॉकी कॉइन लगेंगे, फिर आप लोग इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो पॉकी कॉइन थोड़ा सा आपको जमा के रखना होगा, फिर आप लोग इस टीम मेडलियन की यूज़ से अपने टीम कलर को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप एक ही बार चेंज कर सकते हैं, साल में बस एक ही बार आपको चांस मिलेगा इसे चेंज करने का। तो एक बार चेंज करने के बाद मुझे नहीं लगता आपको दोबारा चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग चेंज करके टीम ब्लू या फिर टीम रेड में चूज़ कीजिएगा, येलो में कहते हैं चूज़ में कीजिएगा। ब्लू सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, रेड में थोड़ा सा कम फायदा होगा, लेकिन रेड में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, रेड कलर के भी प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इसमें आपको कुछ हद तक फ़ायदा मिल सकता है। तो आपके चॉइस है, आप जिससे चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहाँ जाके मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है मैंने इस गेम में फेक जीपीएस का यूज़ कैसे किया है, कैसे इस गेम में मैंने फेक जीपीएस को इंस्टॉल किया है, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना कर रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।